हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लाई हूँ। टॉपिक आपने देखा ही है कि जब वो अकेले होते हैं तो वो आपके लिए क्या सोचते हैं, किस टाइप के थॉट्स उनके माइंड में होते हैं। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपका है। बाकी किसी और के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है। जितने भी सिनारियो दिखेंगे मुझे रीडिंग में, मैं सब मेंशन करूंगी। आपको देखना है कि वो आपसे कितना मैच करता है, आपकी सिचुएशन से, आपके लव लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है नहीं हुई है, आपके आपसे कितना मैच करता है। एंड जो चीज़ें नहीं है वो उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी swarya91 पे मैसेज सेंड कर सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें एंड ओपन माइंड सेट से इस रीडिंग को देखें। तो आपके पर्सन जब भी अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, तो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं वो आप को लेकर, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, स्पिरिट प्लीज़ बताएं। जो भी मेरे ये व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन जब अकेले होते हैं तो क्या सोचते हैं। एस ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ सोर्स, द एम्परर, पेज ऑफ सोर्स, द हाई प्रिस्टेस यानी हेरोफेंट का कार्ड है, हाई प्रिस्ट है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो जब भी अकेले हो, यहाँ पे सारे साइन हैं, यहाँ पे एरीज सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, टॉरस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है एंड सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसे यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, हाँ, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। तो जब भी आपकी बॉटम ऑफ द डेक की बात की जाए तो यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो आपको वो अपनी वाइफ की जैसा ही देखते हैं, आपको अपनी वाइफ मटेरियल मानते हैं, बहुत स्टेबल हैं आप बहुत नर्चरिंग, केयरिंग आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, लोगों का ध्यान रखना, लोगों की हर एक ज़रूरत को पूरा करना, बहुत डाउन टू अर्थ रहती हैं आप, बहुत नर्चरिंग होने के वजह से आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं एंड डाउन टू अर्थ रहती हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकती हैं फिर भी डाउन टू अर्थ रहना पसंद करती हैं, और यही चीज़ें हैं जो उन्हें पसंद आती है। आप बहुत स्टेबल हो सकते हैं, इमोशनली स्टेबल हो सकती हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकती हैं एंड लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक हो सकती हैं, यानी कि रियल वे में चलना पसंद करती हैं, यानी जो रियल है, जो सिंपल है, सिंपल वे में स्टेबल रहना आपको बहुत पसंद हो सकता है। तो आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं, एक मदरली नेचर के जैसा देखते हैं, एक नर्चरिंग नेचर के जैसा देखते हैं, आपको एक वाइफी मटेरियल के जैसा देखते हैं या फिर हस्बैंड मटेरियल के जैसा देखते हैं। तो जब भी वो अकेले होते हैं तो ये सब वैंस है, तो आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग हो सकता है कि आपकी बातें इनसे नहीं हो रही है, क्योंकि आप दोनों में सेपरेशन पीरियड चल रहा है। यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल है, तो आप दोनों में सेपरेशन पीरियड चल रहा है, आपकी बातें नहीं हो रही है, आप दोनों जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लॉन्ग टाइम से चल रहे होंगे, या फिर आप दोनों की बातें हो भी रही होंगी तो कम हो रही होंगी, या ये भी हो सकता है कि ब्रेकअप सिचुएशन भी हो सकता है। जितना जैसा रेजोनेट करता है वैसा ही आप लीजिए, बातें हो रही हैं, कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन जैसे कार्ड आए हैं मैं वैसे ही रीड कर रही हूँ कि आपके पर्सन से हो सकता है कि बातें आपकी बिल्कुल ही नहीं हो रही है, सेपरेशन पीरियड चल रहा है, और आपको लेकर जब भी वो अकेले होते हैं तो बहुत पैशनेट हो जाते हैं, प्यार में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक पैशनेट स्टार्ट करने के बारे में वो सोचते हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ एक स्पार्क फील करते हैं, एक मैग्नेटिक स्पार्क, एक फ्लेम फील करते हैं जो आपकी तरफ उन्हें अट्रैक्ट करता है, एक फिजिकल इंटीमेसी वो फील करते हैं आपके साथ, और वो ऐसा फ्लेम होता है वो कि वो चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू पैशनेट रिलेशनशिप में फिर से जाने को। तो आपके साथ एक
पैशनेट स्टार्ट तो ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे डरते भी हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्स है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे डरते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में या फिर आप दोनों में जो नो कॉन्टैक्ट का सिचुएसन आया, या फिर आप दोनों जो बातें नहीं हो रही, आप दोनों के बीच में कुछ आर्गूमेंट हो सकते हैं, या फिर आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर कमिटमेंट को लेके आर्गुमेंट हो सकते हैं, जिसके वजह से आपके पर्सन जो है आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर घोस्ट कर दिया, या फिर ब्रेकअप ही कर लिया। लेकिन वो अब इस रिश्ते में आपकी वैल्यू समझे हैं, इतने दिनों से अगर आपसे बातें नहीं हो रही है तो आपकी वैल्यू उन्होंने समझी है, आपको वो समझा है कि आप ही द राइट पर्सन हो जिनसे वो अपने जीवन के रेस्ट डेज जो है गुजार सके, यानी कि जीवन के वो पल को गुजार सके जो एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में उन्हें चाहिए, और वो आपको देखते हैं। तो लेकिन डरते इसीलिए हैं क्योंकि आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस होंगे जिनके जवाब इनके पास शायद ना हो, क्योंकि आप पूछेंगे क्यों किया, नहीं किया, क्या किया। क्लियरिटी से रहना आपको पसंद हो सकता है, एंड ब्लंडर आप हो सकती हैं, या फिर आपको डायरेक्ट हार्स वर्ड बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती होगी, जिसके वजह से ये डरते हैं, क्योंकि आप जो है डायरेक्ट हो सकती हैं, ब्लंड हो सकती हैं, एंड बहुत प्रैक्टिकल एंड इंटेलेक्चुअल हो सकती हैं। आप कोई भी ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती जो आपको सर्व नहीं करता है, या फिर जो भी गलत दिखता है आपको, यानी कि जो क्लियरिटी से आपके सामने पेश नहीं होते हैं, वो आप उन्हें कट ऑफ कर देती हैं अपनी लाइफ से। इसीलिए वो डरते हैं कि अगर वो आपकी तरफ आएं और आपको कुछ कहें तो आप उन्हें कट ऑफ ना कर दें, यानी कि जो भी कुछ बचा है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप का फिर से ग्रो होने के लिए, आप उन्हें भी ख़त्म ना कर दें, यानी कि डायरेक्ट आप सीधा हमेशा हमेशा के लिए इस रिलेशनशिप को ख़त्म ना कर दें। इसीलिए वो डरते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप ही उनके तरफ पहला स्टेप ले। वो आपको सोशल मीडिया पे रात को स्पाई करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल वे में भी सोचते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि इनका नेचर फादरली नेचर हो सकता है, अगर मेल हैं तो बहुत ग्राउंडेड हैं, स्ट्रक्चर के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, एंड ये वो पर्सन हैं जो पैशनेट तो होते ही हैं, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो किसी से भी नहीं डरते हैं, और बहुत लॉयल हार्ट होते हैं, एंड ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक भी होते हैं, यानी ईगो भरा हुआ इनमें होता है, क्योंकि ये अथॉरिटी वाले पोस्ट पे हो सकते हैं, या किसी कंपनी में सीईओ हो सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये अथॉरिटी वाले पोस्ट, क्योंकि यह हाई प्रिस्टेज का कार्ड है, जो हाई प्रिस्टेज का भी हाई प्रिस्ट का कार्ड है, यानी हेरोफेंट का कार्ड है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि, और यहाँ पे एम्परर है, तो बहुत सारे ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हो सकते हैं, तो ये पर्सन अपने ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को के अकॉर्डिंग ही चलना पसंद करते हैं, चाहे ये अपने रिश्तों को क्यों ना अपने हाथों से सेल्फ सबोटाज क्यों ना कर दे। ये वो पर्सन है जो अपने ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यू को मानते हैं, बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत चाइल्डहुड वूंड्स होते हैं, स्टबन एनर्जी है, ये बहुत स्टबन एनर्जी, हायर पोस्ट पे ये हो सकते हैं, जिसके वजह से ईगो भी भरा हुआ है, फर्स्ट मूव लेना नहीं जानते, ये चाहते कि ये आप इनकी तरफ आए तो ये आपको सॉरी कहे, मतलब खुद से आके सॉरी नहीं कहना चाहते हैं, चाहते हैं क्योंकि अगर आप इनके पास जाएंगी या जाएंगे तो इनका जो रेस्पेक्ट है, इनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, या इनकी जो जिद है, कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी, और ये आपको सॉरी भी कह देंगे, एंड इस रिलेशनशिप में इन्हें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि आप जो है इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। अगर ये आपकी तरफ आते हैं और कहीं आपने मन बना लिया कि नहीं मुझे अब इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, तो जो भी बचा खुचा था इनके मन में कि आप दोनों के मिलने से कुछ सुधार हो सकता है, सुधार की जगह और भी ये जो रिश्ता है बिगड़ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए वो फर्स्ट मूव लेने से डरते हैं, चाहते हैं कि आप आए और आप जो है इस रिश्ते को फिर से रिकंसिलेशन करें, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये पर्सन मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ
यहाँ पे द एम्परर है और यहाँ पे हाई प्रिस्ट का कार्ड है, तो ये पर्सन आपके मैरिड पर्सन हो सकते हैं, यानी आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ एम्परर है एंड हेरोफेंट है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, एंड ये यहाँ सेजिटेरियस की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। तो लाइफ के मेजर डिसीजन लेके आपकी तरफ आना होगा, क्योंकि ये फादरली यानी कि इनका इनका चाइल्ड भी हो सकता है जो टीनेजर एज का हो, तो इसके वजह से ये आपकी तरफ नहीं आना चाहते या फिर आपकी तरफ फर्स्ट मूव नहीं लेना चाहते हैं। वो उन्होंने अपने अकेलेपन को ही अपना साथी बना लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले होते हैं। तो इन्होंने दो रास्तों से में से एक रास्ता चुन लिया है, या फिर दो लाइफ के मेजर डिसीजन में से एक डिसीजन इन्होंने ले लिया है, क्योंकि ये फादरली नेचर के होते हैं एंड ये फादर हैं किसी के, और किसी के हस्बैंड हैं या किसी की वाइफ है। तो इन्होंने अपने परिवार, अपनी परिवार की वैल्यू को ही इम्पोर्टेंट दिया है, और परिवार की वैल्यू को ही लेके ये आगे चलने वाले हैं, जिसके वजह से आप दोनों में सेपरेशन पीरियड हुआ हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत लॉयल होते हैं। तो अगर इन्होंने अपना परिवार चुना है, इसके वजह से इन्होंने आपके साथ जो है रिश्ते को क्लोज किया हो सकता है, या फिर ब्रेकअप हो सकता है, या फिर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन हो सकता है। जितना रेजोनेट करता है उतना ही। अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज के लिए ही आपको प्रपोज कर सकते हैं, एंड लाइफ के मेजर डिसीजन लेके आपकी तरफ रिकंसिलेशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको अपनी वाइफ मानते हैं, लेकिन रास्ते उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आना है, कैसे बढ़ना है, क्योंकि शैडो साइड है। अभी वो अपने शैडो साइड पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल के फॉर्म में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द मून है, मून में एक ही साइड होता है, यानी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है। मून सन की एनर्जी पूरी तरह से लाइट एनर्जी होती है, एंड मून जो है शैडो साइड में ही, यानी कि शैडो लाइट में ही इन्हें चलना है, जहाँ बहुत कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, एंड बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मिस्टीरियस है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपका पास्ट में दिल दुखाया है, इन्हें पता है कि इन्होंने आपका, और ये थ्री ऑफ सोर्स है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो। अगर मैरिड नहीं है तो भी ये आपकी आप इन्होंने जो दिल दुखाया है आपका, अब इस दिल को जो है हील करना चाहते हैं, आपके साथ हीलिंग चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, एंड चैरियट है तो वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है, या फिर आप दोनों की सोसाइटी डिफरेंसेस हो सकती है, या फिर आप दोनों में फैमिली इशू हो सकते हैं, यानी आपकी फैमिली उनकी फैमिली नहीं मान रही होगी, या फिर आप दोनों मैरिड हो सकते हैं तो सिचुएशन यानी कि सोसाइटी नॉर्म्स पर आपका जो रिलेशनशिप है फिट नहीं बैठता होगा, जिसके वजह से भी बहुत सारे चैलेंजेस है जिन्हें डील करना है, एंड इसके लिए विल पावर की ज़रूरत होती है। तो ये विल पावर गेन करके आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। और यहाँ पे लवर्स है, लवर्स का मतलब ये होता है चॉइस, डीपर कनेक्शन होते हुए भी चॉइस होते हैं, बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन है, लेकिन उसमें किसी दो में से एक को ही चुनना है। ये बहुत पुराना कार्ड है, जब आप जिस समय ये टैरो बना उस समय की, अगर जब ये लवर्स का कार्ड आया तो उसमें माँ और जिससे प्यार वो पर्सन करता है उसमें से दो में से एक को चुनना था, तो उसने अपनी माँ को चुना था। और दूसरे उसके बाद जो कार्ड्स आए, तो जो माँ ने कहा कि इससे शादी कर लो बेटा और अपने लवर्स को छोड़ दो, तो फिर उसने माँ के कहने के अनुसार यानी ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यू के अनुसार उसने माँ का कहना माना, और जिससे वो डीपर लेवल का कनेक्शन फील करता था उसे वो छोड़ दिया। तो चॉइसेस होती है, लवर्स का मतलब चॉइसेस। तो आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो इनके पास भी चॉइसेस है, एक आप हो सकते हैं, एक इनकी फैमिली हो सकती है। दोनों में से एक चुनकर एक मेजर लाइफ के डिसीजन लेकर आपकी तरफ ज़रूर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सेवन ऑफ वैंस है, कहीं ना कहीं डिफेंसिव इसीलिए है कि वो अपने दिल को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने मेजर डिसीजन ले लिए होंगे कि इनको अपनी मैरिज को
कंटिन्यू करना है एंड आपको आपके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप निभाना है, एक फ्रेंड बन के रहना है। और यहाँ नाइट ऑफ वैंस है, तो आप अगर ये आपके पार्टनर वर्किंग प्लेस के हैं एंड आपके ये फ्रेंड हैं, डीपर लेवल का भी कनेक्शन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ भी दो चॉइसेस की बात करता है। टेन ऑफ वैंस है, ये आपसे प्यार भले ही रियली में करते हैं लेकिन आपका जो प्यार है सोसाइटिकल नॉर्म्स में फिट नहीं बैठता है, जिसके वजह से ये दो में से एक का चुनाव करना इन्हें मुश्किल होता है। तो ये आपके लिए पैशनेट तो हैं ही, ये रिश्ते में इन आउट करते रहते होंगे एंड फ्रेंड विथ बेनिफिट्स वाला भी रिश्ता हो सकता है। तो क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस है, दो रास्ते हैं इनके लिए, क्रॉस रोड पर ये खुद को पाते हैं। बहुत ओवर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, घर की, अगर ये मैरिड हैं तो। अगर ये मैरिड नहीं है तब ये आपको चुनेंगे मैरिज के लिए, डेफिनेटली आपको चुनेंगे, क्योंकि आप इनकी लाइफ की वो सनशाइन हैं जिसमें वो जीना चाहते हैं, आपने उनके सोल को टच किया है। ये कितने भी चैलेंजेस क्यों ना, उसमें ये आपको सेलेक्ट करेंगे। अगर ये मैरिड नहीं है तो ये आपको सेलेक्ट करेंगे, इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, अपने पैशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इन आउट तो करते ही रहते होंगे, ये नॉन कमिटल एनर्जी है लेकिन यहाँ लवर्स है तो कहीं ना कहीं डीपेस्ट आपसे कनेक्शन फील करते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं, इंटीमेसी यानी फिजिकल कंपैटिबिलिटी सेटिस्फेक्शन फील करते हैं एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपने आप इनके सोल को कहीं ना कहीं टच किए हैं, जिसके वजह से ये फुलफिलमेंट जो है अपने लाइफ में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ के क्वीन ऑफ कप्स से अनकंडीशनल प्यार करने वाली वो पर्सन है, जिन्हें प्यार नहीं सिर्फ पैशन की भाषा समझ में आती है, यानी जिन्हें टच की भाषा समझ में आती है। आपने इन्हें प्यार करना सिखाया है कि प्यार क्या है, प्यार अनकंडीशनल लव होता है, एक स्वीट इमोशन होता है जो किसी को भी देखकर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ही प्यार कुछ स्पेशल हो, प्यार कोई स्पेशल किसी, आप खुले आकाश को देखिए, खुले आकाश से भी आपको प्यार हो जाएगा, इन नेचुरल चीज़ों को देखिए, नेचुरल चीज़ों को भी देख के आपको प्यार हो जाएगा, आप पेड़ पौधों को देखिए, उन्हें देखकर भी आपको प्यार हो जाएगा, आप खिलखिलाती चहचहाती बर्ड्स एनिमल्स को देखिए, उनसे भी आपको प्यार हो जाएगा। तो ये प्यार क्या, वैसा प्यार मीन्स एक स्वीट इमोशन, एक फीलिंग्स है जो स्वीट होती है। अब आप रिलेशनशिप एक अलग होता है, उसे प्यार का नाम नहीं देते, रिलेशनशिप मीन्स कमिटमेंट, रिलेशनशिप मीन्स एक कमिटमेंट, एक पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है जिसमें दो लोगों का काम करना बहुत कंपलसरी होता है, उसे हम प्यार नहीं कह सकते हैं, उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं, और रिलेशनशिप यहाँ पार्टनरशिप के ही मेथड से चलता है। तो बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो चलिए ओरेकल से चेक करते हैं। कि जब वो अकेले होते हैं तो क्या सोचते हैं, जब वो अकेले होते हैं तो क्या सोचते हैं स्पिरिट। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, उनके दिल की घंटी बज गई है कि अभी एक्शन नहीं लिया तो कब लेंगे, क्योंकि अब टिक टॉक करके ये जो रिश्ता है कहीं पूरी तरीके से डेथ में ना कन्वर्ट हो जाए, पूरी तरीके से जो होप बचा है वो भी होप जो है ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ये प्यार का जेस्चर आपको दिखाना चाहते हैं, एक रोमांटिक जेस्चर दिखाना चाहते हैं, एक रोमांटिक टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं, एक रोमांटिक
पल जो है एक क्या मैं कहूँ वो आपको इसीलिए बहुत टाइम से पेशेंसफुल हैं, आपको बहुत टाइटली होल्ड करके इन्होंने रखा है, टाइटली होल्ड करके इन्होंने रखा है आपको। बहुत पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव हो रहे हैं, नाइन ऑफ सोर्स है, रातों की नींद गायब है एंड लीप ऑफ फेथ तो ज़रूर लेंगे, नहीं लेंगे तो ये टिकटॉक की घंटी जो है उन्हें परेशान करेगी कि अभी नहीं एक्शन लिया तो हमेशा हमेशा के लिए ये जो हैं आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, लूज़ कर देंगे, लॉस कर देंगे। तो ये टिकटॉक की घंटी इनके कानों में हमेशा गूंज रही है एंड रातों की नींद गायब है, बहुत पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव हो रहे हैं आपको लेके, लेकिन पेशेंस बनाए हुए हैं क्योंकि आपको एक बहुत रोमांटिक डेट पे ले जाना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस से आएंगे ज़रूर और बहुत ट्रांसफॉर्म होके आएंगे। तो अ चेंज इन द विंड है, तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आपकी वजह से आए, आपकी वजह से आए हैं। और जितना पेशेंसफुल हैं ये, इन्हें ऐसा लगता है कि नेवर एंडिंग स्टोरी है, घूम फिर के वो वही सोचने लगते हैं, घूम फिर के डिसीज़न ले लेते हैं अपने लाइफ की, लेकिन घूम फिर कर जब भी वो अकेले होते हैं एक ही बात साइकिल एंड साइकिल एंड साइकिल, यानी कि एक ही बात वो सोचने के लिए बैठ जाते हैं। जब भी अकेले उन्होंने डिसीजन ले लिया होगा, अगर ये मैरिड होंगे तो मैरिज के साथ जाना है, आपको लेफ्ट आउट करना है, इन्होंने डिसीजन ले लिया, भले ही आपसे कितना भी डीपर कनेक्शन क्यों ना हो, लेकिन ये क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यू से बाहर निकलेंगे तभी ये आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ डेथ है, यहाँ चेंज ऑफ द विंड है, तो हो सकता है कि यह अगर आपकी डिवाइन मस्कुलाइन है तो हो सकता है कि इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो दिमाग से सोचते हैं अब वो दिल से सोचना शुरू कर दिए, क्योंकि आपने इनका हार्ट जो है ओपन किया है अपने प्यार से, अपने अनकंडीशनल वाइब्रेशन से इनका प्यार जो है, इनका दिल जो है आपने कहीं ना कहीं ओपन किया है, तो वो भी अब इनका दिल भी जो है सीने में धड़कने लगा है, जो अब तक नहीं कभी धड़का वो धड़कने लगा है, अनकंडीशनल प्यार वो आपसे अब करने लगे हैं। तो अब वो ट्रांसफॉर्म होके आपको कमिटमेंट दे सकते हैं अगर वो आते हैं तो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो अपनी मैरिज की तरफ मूव ऑन होंगे। और अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो वो डेफिनेटली लिख के रख लीजिए, वो आपको ही चुनेंगे, आपसे ही मैरिज करेंगे, आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनका सब कुछ हो। अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो, सिंगल हैं तो वो आपको ही चुनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी रिश्ते में चैलेंजेस हो, लिख के रख लीजिए कि अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो आपके पर्सन आपको ही चुनेंगे, आपसे ही मैरिज करेंगे। और अगर आपके पर्सन, मैंने ऑलरेडी बताया कि मैरिड पर्सन है, तब तो रात को जब ये अकेले होते हैं तो टावर मोमेंट के बारे में सोचते हैं, जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ या नो कांटेक्ट हुआ, तो जो भी बातें आप दोनों के बीच में हुई, जो भी आर्गुमेंट हुए उसके बारे में सोचते हैं। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर द बुद्धा है, शांत रखने की मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, आपसे इंट्यूटिवली कनेक्टेड होने की कोशिश करते हैं। एंड इस रिलेशनशिप में उन्होंने हायर लर्निंग की है, हायर लर्निंग आप दोनों की इस रिलेशनशिप में हायर लेसन सीखने को है, या फिर ये पर्सन बहुत हायर पोस्ट पर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, ये आपके यानी कि वर्किंग प्लेस पे हैं तो ये आपके बॉस हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये बहुत ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, या फिर बड़े अधिकारी हो सकते हैं, यानी मिलिट्री में हो सकते हैं, नेवी आर्मी या फिर एयरफोर्स में हो सकते हैं। यहाँ मास्क है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब इमोशन आपसे शेयर नहीं किया है तो ये मास्क पहने हुए इन्हें आपसे आपको दिखाते जरूर हैं कि इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं, इन्हें आपसे प्यार नहीं, इन्हें आपसे आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, बस ये फ्लर्ट करने के लिए आपके पास आए हैं, टाइम पास करने के लिए आपके पास हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मास्क पहने हुए हैं। इनके दिल में इमोशन भी है, डीप नोइंग यानी आपके लिए डीप प्यार भी है, एंड आपके लिए लॉयल इनका हार्ट भी है।
और कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो फील भी करती हैं, फील भी करते हैं आपके एनर्जी को। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ले थैंक यू सो मच।